यस बैंक निवेशकों पर 3 साल का लॉक इन अभूतपूर्व कदम कानूनी जांच का सामना कर सकता है। मौजूदा निवेशकों द्वारा यस बैंक के शेयरों की बिक्री पर 3 साल की रोक लगाने का अभूतपूर्व कदम कानूनी जांच का सामना कर सकता है, क्योंकि कोई भी नियामक किसी निवेशक को प्रतिभूतियों को रखने या बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वकीलों ने ईटी को बताया कि प्रस्तावित प्रतिबंध कुछ का तर्क होगा कि संपत्ति के स्वामित्व या बेचने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया, क्योंकि स्टॉक भी संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने शनिवार को रिवाइवल स्कीम के शुरू होने से लेकर कंपनी में निवेशकों की हिस्सेदारी के 75% तक की लॉक इन अवधि लागू कर दी। ये प्रतिबंध उन सभी शेयरधारकों पर लागू होगा जो यस बैंक में 100 से अधिक शेयरों के मालिक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए फ्रीज लगाया गया था कि जमाकर्ता के अधिस्थगन के समाप्त होने के बाद बैंक के शेयरों को टैंक में न डाले। इसके अलावा यह यस बैंक के शेयर की कीमतों में जंगली झूलों को गिरफ्तार करता है, क्योंकि अधिकांश शेयर बंद हो जाएंगे। वर्तमान में यस बैंक में 16 लाख खुदरा शेयर था।